नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश भर में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। इस रूट की 17 ट्रेनें इस दिन रहेंगी रद्द। विधान परिषद में आज भी विपक्षों का अग्निपथ को लेकर जोरदार हंगामा। प्रशांत किशोर ने 7 निश्चय योजना को ठहराया बदहाल। द्रविड़ ने बताया रोहित नहीं खेलते हैं तो भारत के पास है ये 3 विकल्प। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। प्रदेश भर में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस दौरान प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मानसून की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, हालांकि जल जमाव और वज्रपात से भी लोग परेशान हैं और अभी भी इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिहार में अगले 7 दिनों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। मंगलवार बुधवार की रात से सक्रिय हुए मानसून ने बुधवार को बिहार को पूरी तरह से कवर कर लिया। विशेषकर पश्चिमी बिहार के गोपालगंज और सिवान आदि जिलों में सक्रिय मानसून से खूब वर्षा हुई है। बिहार में अब कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे मानसूनी बौछारों ने ना भिगोया हो। अगले 24 घंटे में भी भारी से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पूरे प्रदेश में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने किया पैसों का इंतजाम। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने की मांग को खारिज कर देने के बाद बिहार सरकार ने अपने पैसों के बलबूते जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया था। अब इसके बाद बिहार में जातिगत जनगणना कराने में खर्च होने वाली राशि का इंतजाम हो गया है। पैसा खर्च करने के लिए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दोनों सदनों में बिहार विनियोग विधेयक पेश किया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च होने वाली राशि 43,995 करोड़ 23 लाख की अनुमति मिल गई है। इस पैसे में ही 500 करोड़ रुपए जातिगत जनगणना करने में खर्च होगा। मालूम हो कि जातिगत जनगणना की शुरुआत अगले महीने से होने की सूचना है, जो कि अगले साल संपन्न होगी। इस रूट की 17 ट्रेनें इस दिन रहेंगी रद्द। रेल से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है। आपको बता दें कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर 3 जुलाई को मेगा रेल ब्लॉक रहेगा। इस वजह से यहां से गुजरने वाली कुल 17 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं लंबी दूरी वाली लगभग सभी ट्रेनों का रूट बदल कर चलाने का फैसला लिया गया है। पूर्व रेलवे के CPRO एकलव्य चक्रवर्ती ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर नाथनगर अकबर नगर के बीच ब्रिज नंबर 164 में गार्डर बदलने का काम किया जाएगा। इसके चलते इस रूट पर रेल सेवा बाधित रहेगी। रद्द रहने वाली ट्रेनों में 2 जुलाई को जयनगर से रवाना होने वाली जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस और 3 जुलाई को भागलपुर से रवाना होने वाली भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। 3 जुलाई को भागलपुर मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस दोनों तरफ से रद्द रहेगी। इसके साथ ही कुल 17 ट्रेनें रद्द रहेंगी। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है। आपको सलाह दी जाती है कि रेल से जुड़ी अपडेट के लिए रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगी एक और सफलता। बिहार सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों की कमी नहीं है, लिहाजा आए दिन कोई ना कोई ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में घेरे जाते हैं। इस बीच आर्थिक अपराध इकाई की टीम की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड BMSICL के महाप्रबंधक संजीव रंजन पर विशेष निगरानी इकाई ने अवैध संपत्ति के मामले में छापेमारी की है। छापेमारी के समय तक 50.5 लाख रुपए की बैंक खातों में होने की जानकारी मिल पाई थी। हालांकि अब यह रकम 80 लाख के करीब पहुंच गई है। संजीव रंजन की चल अचल संपत्ति करीब 8 करोड़ रुपए की है। SVU के मुताबिक संजीव रंजन ने ठेके से काफी कमाई की है। वहीं चिकित्सा क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के टेंडर देने में हुई कमाई से उन्होंने कई संपत्तियां अर्जित की थी। कोसी कमला बलान सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। मानसून की बारिश ने प्रदेश का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा जिसे अपनी बौछारों से ना भिगोया हो। वहीं सीमांचल की नदियां भारी बारिश की वजह से उफान पर है। नेपाल के साथ उत्तर पूर्व बिहार में हो रही बारिश के कारण पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी सुपौल अररिया किशनगंज और पूर्णिया के कई गांव में पानी घुस गया है। पूर्वी चंपारण के देवापुर बेलवा और निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। वहीं ढाका से बेलवा घाट होकर शिवहर और सीतामढ़ी जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण अधवाड़ा समूह की नदियां उफनाई हुई हैं। कोसी कमला बलान भूतही बलान और महानंदा लाल निशान के पार पहुंच गई है। इस कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है।
घाटा झेल रही बीएसएनएल कंपनी ने जमीन बेचने का किया फैसला। घाटा झेल रही बीएसएनएल कंपनी ने बिहार में 2 जगहों पर अपनी जमीन बेचने का फैसला किया है। वहीं इसके अलावा करीब 15 जगहों पर भवनों को किराए पर दिया जाएगा। लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में उनके कर्मचारी भी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी बिहार में बीएसएनएल मोबाइल के 32 लाख उपभोक्ता है। लगभग 8 लाख उपभोक्ता घट चुके हैं। खराब नेटवर्किंग सुविधा की वजह से इसके उपभोक्ता भी कम होते जा रहे हैं। वहीं बीएसएनएल के प्रधान प्रबंधक महेंद्र सिंह धाकड़ के अनुसार कर्मचारी कम होने के कारण बुधमार्ग, बिहार शरीफ, टेलीफोन भवन, पटेल नगर सहित कई कार्यालयों में अब निजी कंपनियों का कार्यालय खोला जाएगा। विधान परिषद में आज भी विपक्षों का अग्निपथ को लेकर जोरदार हंगामा। एक ओर विधान परिषद में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा, वहीं दूसरी ओर विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष ही समय पर विधानसभा नहीं पहुंचे। अग्निपथ योजना को लेकर विधान परिषद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह सदन में उठ खड़े हुए। सुनील कुमार सिंह ने मधुबनी में आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग रखी। इसके बाद रामचंद्रपुर में भी सदन में अपनी बात रखने लगे। आरजेडी लगातार इस मामले पर सदन में बहस की मांग कर रहे थे। हालांकि आरजेडी के विधान पार्षदों की बात से कार्यकारी सभापति बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर यहां बहस करने से कुछ नहीं होगा। राजधानी पटना के प्रसिद्ध मार्केट में लगी भीषण आग। राजधानी पटना के प्रसिद्ध हथुआ मार्केट में अहले सुबह आग लग गई, जिसमें करीब 10 से 12 दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 17 से 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक मोटरसाइकिल में आग लगी और फिर कई दुकानों में फैल गई। आग की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक मोटरसाइकिल में आग लगी और फिर कई दुकानों में फैल गई। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष से मिले शिक्षक नेता। नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी शिक्षक नेता को आश्वासन दिया कि पुरजोर तरीके से शिक्षकों की समस्या को सदन में उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे, ताकि सरकार का ध्यान शिक्षकों की समस्या पर जाए और त्वरित गति से इसका समाधान हो सके। नियोजित शिक्षक खासकर जो कि महिलाएं और दिव्यांग हैं, उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर आवाज उठाने की बात कही है। सुशील मोदी का कांग्रेस पर कटाक्ष। राजस्थान के उदयपुर में टेलर की जान ले ली गई, इसके बाद देशभर में इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। वहीं इस मुद्दे पर देशभर की सियासत तेज है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तो कांग्रेस का रिश्ता तक पाकिस्तान से जोड़ दिया है। दरअसल इस घटना को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने राजस्थान सरकार और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह घटना कांग्रेस राज में तालिबानी सोच वाली ताकतों के बढ़ते दुस्साहस की दुखद परिणाम है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के हमदर्दी रखने वाली कांग्रेस सरकार अब इस सीमावर्ती राज्य में लोगों को जीवन और कारोबार की सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल है। प्रसाद किशोर ने 7 निश्चय योजना को ठहराया बदहाल। देश के बड़े रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर अभी बिहार भ्रमण पर हैं। नए नए जगहों पर जाकर वो लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार द्वारा चलाई जा रही ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को लेकर सवाल खड़ा किया है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए बिहार में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा आजादी के कई वर्षों के बाद भी गांव की सड़कें बदहाल हैं, नलों से पानी नहीं आ रहा है। अगर बिहार की पूर्ववर्ती सरकार काम की होती तो आज यहां के युवकों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ता। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है। अभी जो व्यवस्था है उसे बिहार के विकास से एक जड़ता आ गई है, इसे दूर के लिए सही सोच और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। बिहार में बढ़ते अपराध के लिए चिराग पासवान ने चाचा को ही ठहराया जिम्मेदार। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर रालोसपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने ही चाचा पशुपति कुमार पारस को जिम्मेदार ठहराया है। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को नसीहत दी है कि आप जो बयान देते हैं उसे अपराधियों के मनोबल बढ़ते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के उस बयान पर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार बड़ा स्टेट है, यहां कुछ न कुछ होता रहता है। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसी घटनाओं को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने परिवार के एक सदस्य को खो दिया है। इस तरीके के बयान देने से घटनाएं बढ़ती हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, यही कारण है कि बिहार में अपराध रुकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान राशि देने का किया ऐलान।
दौरान बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस दौरान प्रदेश में लगभग सभी जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मानसून की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिली है, हालांकि जल जमाव की वजह से काफी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। यही नहीं, लगातार हो रही बारिश और वज्रपात ना जाने कितने लोगों की जान भी ले चुकी है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य के 4 जिलों में वज्रपात से 5 लोगों की मृत्यु दुखद है। प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। सभी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि दिया जाए। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन कर खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। डराने लगे हैं देश में बढ़ती कोरोना के संक्रमण दर। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर से डराने लगी है। आज यानी गुरुवार को पिछले 24 घंटे के जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 18,819 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 39 लोगों की संक्रमण से जान भी चली गई है। नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,34,52,164 हो गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान 39 लोगों की जान भी चली गई है। इसके साथ ही संक्रमण से जान गंवाने से मृतकों की संख्या 5,25,116 पर पहुंच गई है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,04,555 तक पहुंच गई है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 4.16% हो गई है। द्रविड़ ने बताया, रोहित नहीं खेलते हैं तो भारत के पास हैं ये 3 विकल्प। टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो राहुल द्रविड़ ने बताया कि पिच किस तरह व्यवहार करेगी और कैसा संयोजन होगा, ये सब कोविड पॉजिटिव पाए गए रोहित शर्मा पर निर्भर करेगी। ऐसे में अगर वे इस मैच से बाहर होते हैं तो कौन ओपनिंग करेगा और नंबर 3 पर कौन खेलेगा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। वैसे तो रोहित के कवर के रूप में मयंक अग्रवाल इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। इस पर द्रविड़ ने कहा कि हम बहुत सारे कारकों को देखेंगे। जाहिर है कि मयंक नियमित सलामी बल्लेबाज हैं जो नियमित रूप से ओपन करते हैं। हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं। भारत ने खुद आंध्र के लिए कई मैचों में ओपनिंग की है और उस वार्म अप मैच में भी दिखाया कि वह इस समय शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर के लिए द्रविड़ ने बताया कि पुजारा में काफी अच्छी क्वालिटी है, उन्होंने पहले भी भारत के लिए ओपनिंग की है, इसलिए मैं चीजों को दूर नहीं करना चाहता। बीते दिन पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, कल्याणी कुमारी, रंजीत मिश्रा, अरविंद शंकर मुखिया, रवि दीवाना, रघुनाथ प्रसाद, मनीषा कुमारी, कैलाश प्रसाद और मनोज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लगातार हो रही भीषण बारिश और वज्रपात की वजह से क्या आपके क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही बिहार से जुड़ी तमाम खबर से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।